हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास माल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो रिटर्न एग्जाम पास करके आए हैं। उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए। और अब बात करेंगे कि वाटर कैरी में जो मैंने वीडियो बना रखा, उसके अलावा जो सवाल आए हैं, उनके जो कमेंट्स आए हैं, उनको शामिल किया है इस वीडियो में। उनके जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं मैं, जिसमें पूछते हैं बार बार, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वाटर कैरियर में क्या करवाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। वाटर कैरियर क्या होता है और किस प्रकार से आपका वाटर कैरियर का ट्रे टेस्ट होगा। तो मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप ऊपर आई बटन में जो वीडियो मिलेगा मिलेंगे जो प्ले लिस्ट, वो जाके ट्रे टेस्ट की देख लेना, सब के सब समझ में आ जाएंगे। जितने भी मैंने ट्रे टेस्ट के वीडियो बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप पास हो सकोगे। तो फ्रेंड्स, वाटर कैरियर होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। वाटर कैरियर एक कुक का सहायक होता है, जल वाहक बोलते हैं उनको, कि कुक का सहायक होता है वाटर कैरियर। और वो कुक का सहायक होता है, कुक की गैर मौजूदगी में खाना बनाना पड़ता है, और कुक का सहायक होता है इसलिए उनको कुक की हेल्प भी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये वाटर कैरियर को हिंदी में जल वाहक बोलते हैं। और अब बात करते हैं कि कुक का सहायक होने से ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कुक का सहायक होगा तो सब्जी काटनी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी और सलाद भी काटनी पड़ेगी। और आपका मुख्य कारण यह है जल वाहक, यानी कि जल को भी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। आप किसी भी ट्रेड के लिए जाते हो, उसके बारे में उसका पूरा अर्थ जान लीजिए, आपको कोई भी ट्रेड टेस्ट करने से नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब बात करते हैं, जो कमेंट्स आए हैं उनको मैं जवाब दे देता हूँ मेरे दोस्तों के। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मावर को, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए टेक्निकल और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप जो कमेंट्स आए हैं उनके जवाब हैं, जो बहुत से बंदे पूछते हैं कि सर इसमें आटा कितना देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आटा आपको दो रोटी बनाने के लिए देते हैं, दो रोटी बनाने के लिए देते हैं, वो देते हैं। उसको आपको किस प्रकार से गूंदना है ये मैं बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा आटा रख लेना है अलग से, और उस जो आटा देते हैं उसमें से, और उस आटे को गूंद लेना है जिससे कि आपका गीला हो जाए। तो उस आटे से मिला के आपको उस आटे को सही किया जा सकता है, थोड़ी फुर्ती रखनी होगी आपको आटा गूंदने में। और आटा गूंदने के बाद आपको रोटी बनाने के लिए बोलते हैं, आपको रोटी बनाने में हिचकिचाना नहीं है, अच्छे से रोटी को बेलना है। और बेलने के बाद आप आटा लगाना है, जो आटा सूखा रखा है आपने थोड़ा वो लगा के उस रोटी को बनाना है, जिससे कि आपको रोटी को फूलना आवश्यक होता है, क्योंकि रोटी को फूलाने में अहमियत बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। क्योंकि वो रोटी फूल जाती है तो आपको सोने पे सुहागा है, आपको 60% तक आपका चांसेस क्रिएट हो जाता है आटा गूंदना, रोटी बनाने और रोटी फूलने से, कि आप पास हो जाओगे 60%। यही काम है फ्रेंड्स वाटर कैरियर का, आटा गूंदना, रोटी बनाना और उसको फुलाना। तो आपका जलाना नहीं है, वो आपको थोड़ा सा आटा रख लेना है जिससे कि आपका आटा गीला हो, ये तो आपको उस आटे को मिला के थोड़ा अच्छा कर लेना। और उसके अलावा भी थोड़ा आटा और रखना है जिससे कि आपको जो रोटी बनाते हो उसमें प्लोथन बोलते हैं, उसको लगाने से रोटी में फुलावट आती है, फूल जाती है, जिससे कि आपको ट्रे टेस्ट में कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रोटी बनाने और आटा गूंदने के बारे में। और अब बात करते हैं सलाद और सब्जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है सलाद और सब्जी भी, क्योंकि 40% यही है। और आपको जल के लिए इतना कार्य नहीं करवाएंगे, यही कार्य करवाते हैं वाटर कैरियर में। तो अब सभी जो भी ट्रे टेस्ट करेंगे उन सभी के बारे में वीडियो है, आरपीएफ हो, बीएसएफ, एसएसबी हो, जो भी हो, उनके बारे में एक ही प्रकार से किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है फ्रेंड्स, पर एक जैसा ही होता है। तो अब ये सलाद काटने के लिए बोलते हैं, तो आपको हाथ में लेके नहीं काटना उसको, बोलते काटने के लिए तो आपको पहले छीलने वाली चीजों को छीलना पड़ेगा, और जो सब्जी होती है उसको भी काटने के लिए बोलते हैं। आप काटने लगते हो, वो काटना नहीं है जल्दी जल्दी, उसको पहले छीलना है। छीलने के बाद आराम से नीचे रख के टेबल पे आराम से काटना है, स्लाइड के रूप में अच्छे से रख के, जैसे वो बोलते हैं उसके आधार पे काटना है। और अच्छे से काट के जो भी पीसेस होते हैं, हरी मिर्च हो गए, आलू हो गए,
मटर टमाटर जो भी हो गए, जो भी आपको देंगे वो अलग अलग सजा के रखने हैं, जिससे कि अचार के प्लेट में, और उससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होंगे। और आपको सफाई का खास ध्यान रखना है कि कचरा जो छिले हुए कचरा होता है उसको डस्टबिन में डाल देना है समय से पहले, और समय से पहले इस काम को कर देना है। और उसके बाद आपको मुख्य पॉइंट यह है कि आप अगर जल्दी जल्दबाजी में आप कार्य करते हो तो उसमें आपकी अंगुली कट जाने पे आपको 100% श्योर है कि आपको फैल कर दिया जाएगा। तो आपको अंगुलियों का ध्यान रखना है और हाथ में रख लेकर के सलाद सब्जी नहीं काटनी है, और काटने से आपको 100% कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि फैल कर दिया जाएंगे, क्योंकि वो स्टाफ पे डिपेंड होता है। हाथ में काटने से भी पास कर देते हैं, कोई बहुत से बंदे कमेंट करते हैं कि ये सर ये तो गलत है, पर वो स्टाफ पे डिपेंड होता है, पर जो सिस्टम वाइज चलते हैं तो उसी के हिसाब से तो टेबल पे रख के ही काटनी पड़ती है। और दूसरे और लास्ट जो पॉइंट है उस पे मैं बात करता हूँ कि लोग बोलते हैं प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, इसमें प्रमोशन जरूर हो, इसमें नहीं होगा, पर आप जिसमें डिपार्टमेंट में बड़े फॉर्म अप्लाई करोगे बड़े पद के लिए, तो आपको प्रमोशन वहां पे पास होंगे, और आपको ये नौकरी छोड़कर भी उस नौकरी में जा सकते हो बड़े पैमाने की नौकरी पे, तो उसमें आपको प्रमोशन है। और कुछ बोलते हैं कि सर इसमें वर्दी मिलती है, कि जरूर मिलेगी वर्दी, पर आपको ट्रेड टेस्ट में नहीं मिलेगी, आपको जॉब लगने के बाद मिलेगी। तो फ्रेंड्स यह थे कुछ सवाल कमेंट्स, और आपके भी कोई सवाल और कमेंट्स हैं तो वो मेरे को बताइए, मैं उनका रिप्लाई दूंगा और उस पर वीडियो भी बना दूंगा, जिससे कि अन्य दोस्तों की भी सहायता हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे काम के लिए आया था, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वालिटी पे न जाएं, वीडियो की इंफॉर्मेशन पे जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।